बज बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop No. 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। जनपद मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र जुल्हेड़ा रोड पर मस्जिद की जमीन है, जिस पर भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से कब्जा कर सिंघावली के रहने वाले युवक के नाम कर दी है। ये मामला सालों से अदालत में विचाराधीन है। भूमाफियाओं द्वारा फर्जी बेनामा व झूठा मुकदमा दर्ज कराने के विरोध में दर्जनों गणमान्य लोगों ने SSP कार्यालय पहुंचकर मामले की जानकारी SP देहात को दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार देर रात्रि को दबंगों ने खाली पड़ी मस्जिद की जमीन पर जबरन दीवार खड़ी कर दी। मस्जिद के इमाम द्वारा विरोध करने पर भूमाफियाओं ने मस्जिद पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। हालांकि वर्ष 1935 में नवाब शाह परिवार के पूर्वजों ने ये जमीन मस्जिद के नाम कर दी थी और ये जमीन मस्जिद के नाम पर चढ़ी आ रही है। वहां मौजूद एनुद्दीन शाह का कहना है कि मस्जिद के पास मौजूद नईम व अनीस की 137 गज की जमीन का बेनामा है, जिसमें से 250 गज में नईम व अनीस का मकान बना हुआ है, जबकि दोनों युवकों ने मिलकर 850 गज जमीन पहले बेच दी थी। बाद में दबंगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से 550 गज का बेनामा शमीम सिंघावली रोहटा रोड के नाम कर दिया था। मामले का खुलासा उजागर होने के बाद दबंगों ने मस्जिद के इमाम सहित 7 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वहीं दूसरी ओर मस्जिद पक्ष की ओर से भी इमाम ने भूमाफियाओं के खिलाफ अज्ञात मामला दर्ज कराया था, जिसके चलते पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई की जाने के चलते दर्जनों कस्बा निवासी शुक्रवार को SSP कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान रोहित जाखड़, अली शाह, डॉक्टर मेराजुद्दीन, पूर्व मंत्री एमी शाह, नईम, इंद्र सेन, समरपाल सिंह, रामपाल आदि मौजूद रहे। मेरा नाम रोहित जाखड़ है, संयुक्त सर्व समाज संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ और ये जो सरधना का मामला है, एक मस्जिद से संबंधित मामला है। इस मस्जिद की जमीन को अनुदान में शाह परिवार के पूर्वजों ने दिया था। 1935 में जमीन अनुदान में दी गई थी और पिछले 6 वर्षों से कुछ भूमाफिया किस्म के लोग इसको अपने अधीन बेचना चाहते हैं करके, और इससे उनको किसी भी इस बात से मतलब नहीं कि किसी वर्ग का, समाज का कोई धार्मिक विषय है, वो भी इसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने धर्म को ताक पर रख के इस धार्मिक स्थल का बैनामा फर्जी करा के और इसको बेचने पे आतुर हो गए। उसका नाम दमेड़ी का इरफान है और भूमाफिया रजिस्टर्ड है, वो इन धाराओं में पहले भी जेल जा चुका है। किन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? ये मामला मस्जिद के इमाम साहब और साहब हैं, लियाकत है, सलीम है, इन सब लोगों के खिलाफ 307 में दर्ज हुआ था, लेकिन SP रियाज साहब ने इसको वापस लेने का कह दिया है और ये वापस 1-2 दिन में हो जाएगा। हमारा जो अगला जो आग्रह किया है हमने, वो ये किया है जिन्होंने फर्जी बैनामे किए हैं, वो फर्जी बैनामा जिस भी व्यक्ति ने किया है और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी भी हद में शांतिपूर्ण रहना है और शांति के लिए ही हम यहाँ आए हैं, हम आबो हवा को खराब नहीं होने देंगे। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए firstbite.tv।